हेलो एवरीवन दिस इज अब्दुलमान फ्रॉम फॉरेस्ट बार जो आज का प्रोडक्ट है वो होने वाला है डेल का लेटीट्यूड सीरीज के अंदर लेटीट्यूड चौवन बीस स्टेम मॉडल मेरे पास है लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ले लेते हैं करते हैं इसके जनाब पहले तो हम मॉडल की ये हमारे बात करेंगे हम इसकी बॉडी की के ये किस के अंदर बना हुआ है तो इसकी अगर बॉडी की बात करें तो ये मेटेलिक में आपको नजर आ रही हूँ मेटेलिक लुक में लेकिन ये मेटेलिक लुक में नहीं है ये ग्रे कलर और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इसका जो बॉडी क्वालिटी है वो फाइबर प्लास्टिक जिसे हम कहते हैं वो यूज की जाती है वैसे तो बहुत से इसके डिफरेंट नाम इसको यूज किया जा जाता है कि प्लास्टिक के अंदर कोई बहुत सी मल्टीपल्स कंपनीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक बना रही है लेकिन ये फाइबर प्लास्टिक हम इसको बोलते हैं जिस क्वालिटी में इसको मैन्युफेक्चर किया गया सबसे पहले बात करेंगे इसकी ब्रांडिंग की कहाँ कहाँ इसने ब्रांडिंग दी हुई है तो ये है डेल की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई जो आपको नजर आ रही होगी मिड के अंदर जैसे हमेशा डेल अपनी ब्रांडिंग देता आ रहा है डेल ने अभी तक अपने लोगों को चेंज नहीं किया उसके बाद हम बात करेंगे बैक साइड पे तो लैटीट्यूड चौवन बीस की ब्रांडिंग की हुई है मॉडल नंबर इन्होंने मेंशन किया हुआ कि लेटीट्यूड सीरीज चौवन बीस के अंदर आता है और अंदर से देखेंगे कि अंदर कहाँ कहाँ ब्रांडिंग दी हुई है डेल ने तो अंदर अगर देखे जाए तो डेल ने ब्रांडिंग दी हुई है अपनी एलसीडी के नीचे साइड पर छोटा सा डेल लिखा हुआ है और यहाँ पे इंटर कोर की इन्होंने स्टिकर uh, मेंशन किया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है आई फाइव सिर्फ इन्होंने अगर बात करें तो स्टिकर को ही चेंज किया है इनका अगर आप ओल्ड मॉडल देख लें सिक्स जनरेशन सेवन जनरेशन तक तो वहाँ पे जो स्टिकर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स uh, के थे वो ब्लू डार्क ब्लू के अंदर आते थे लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी उसका साउंड भी चेंज कर दिया तो इन्होंने यहाँ पे स्टीकर की क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज कर दिया अब हम बात करेंगे कि ये हमें क्या क्या स्पेक्स दे रहा है और किस किस चीज के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पोर्ट्स टाइप्स को तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सबसे पहले इंटरनेट पोर्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट की पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलती है जिसका लोक दिया हुआ है जब आप तार लगाए तो ये लोक लगा ले और आपकी तार हो सके उसके बाद यहाँ पे देखें जी पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है फिर यूएसई पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है अगेन यूएस पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है ऑडियो चेक का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है जो पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है वो थ्री पॉइंट वन में आता है जनरेशन वन में देखने को आपको यहां से मिलता है उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हीट सिंग इन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ से आपके लैपटॉप की हीट रिलीज हो जाए और आपका लैपटॉप कूल cool रहे और ताकि आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे उसके बाद दो इन्होंने यहाँ पे यूएसबी पोर्ट चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है आजकल लेटेस्ट रहा है तो यूएसबी पोर्ट चार्ज हो रहा है आईफोन ने भी यूएसबी पोर्ट चार्जर निकाला हुआ तो लैपटॉप के अंदर भी यूएसबी पोर्ट चार्जर को देखने को मिल रहा है और दो यूएसपी पोर्ट चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों ही यूज होते हैं अगर आप एट ए टाइम एक लगा सकते हैं अगर एक खराब हो गया तो दूसरा भी लगा सकते हैं उसके अलावा अगर इसकी बात करें जनरेशन कौन सी यूज की गई इसमें ये इस जीएससी पोर्ड में जनरेशन टू यूज की गई थ्री पॉइंट टू का ये यूटिलाइज हो रहा है बैक साइड पे भी इन्होंने थोड़े थोड़े हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ हीट सिंक का ऑप्शन दिया हुआ जिससे आपके लैपटॉप की हीट रिलीज हो सकती है और अगर हम इससे पीछे से बात करें सेम वही प्लास्टिक की फाइबर प्लास्टिक क्वालिटी यूज की गई है इतनी बड़ी एक साइड पर रबड़ हुई है नीचे राइट लेफ्ट पे भी रबड़ दी हुई है और छोटे छोटे राइट और लेफ्ट साइड पे स्पीकर दिए गए हैं ताकि आप लोग जब लैपटॉप रखें तो आवाज भी बिल्कुल क्लियर है और इसकी जो हीट है वो इजीली रिलीज हो सके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कोई ब्रांडिंग वगैरह दी हुई है जो इनकी ब्रांडिंग देखे जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो आई एम ए जिस हम कहते हैं नंबर होते हैं वो मेंशन किए हुए छोटे छोटे हीट लाइट उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने स्टिकर मेंशन किया हुआ विंडो का स्टिकर मेंशन किया हुआ और अगर हम यहां से देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग की लाइट का ऑप्शन दिया जब आप लैपटॉप को चार्जिंग लगाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग की लाइट ऑन हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि आपका लैपटॉप ऑन है चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा अभी अगर आप इसको ऑन करते हैं सीधा सा तो आपको कुछ भी नहीं होगा ये मैंने इसको ऑलरेडी ऑन किया हुआ है अब हम अंदर से देखेंगे हमें अंदर से कैसे देखने को मिलता है सॉफ्ट क्वालिटी का कीबोर्ड दिया हुआ है जिसके अंदर लाइटिंग कीबोर्ड आता है सॉफ्ट क्वालिटी बिल्कुल सॉफ्ट टाइप का जो कीबोर्ड होता है आप इस पे इजीली अपना वर्क कर सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड में आपको देखने को नहीं मिल रहा बड़ा सा माउस पैड दिया हुआ है माउस पैड के जो बटन है वो अंदर ही दिए हुए हैं आपको हम कहते हैं इनविजिबल हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन राइट और लेफ्ट जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर पता लगेगा कि अंदर इसके पैड के बटन दिए हुए हैं सामने अगर स्क्रीन की बात करें तो चौदह इंच की स्क्रीन हमें देखने को मिलती है डेल की ब्रांडिंग का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है दरमियान में इन्होंने कैमरा दिया है और कैमरे के ऊपर आपको एक लोक दिया हुआ कि अगर आप अपना कैमरा बंद करना चाह रहे हैं तो उस लोक को राइट लेफ्ट करें और आपका कैमरा बंद हो जाए और उसके बाद अगर एलसीडी की बात करें आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या ये टच में है नहीं बिल्कुल भी ये टच में नहीं है और अब हम बात करेंगे कि पावर बटन कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो पावर बटन कीबोर्ड के अंदर ही देखने को मिल रहा है क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन है तो आप लोगों को पता होगा कि पावर बटन हमेशा लेटेस्ट जनरेशन में मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है या राइट लेफ्ट की एच uh, डी में पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे पावर बटन देखने को मिल रहा है और पावर बटन के अंदर एक छोटी सी लाइट भी दी हुई ताकि आपको पता हो कि आपका लैपटॉप ऑन है या नहीं अब बात करेंगे हम इसके प्रोसेसर और जनरेशन की कि क्या क्या देखने को दे रहे हैं तो जनाब यहां हमें मिल रहा है वो कोर आई फाइव इलेवन इस स्पेसिफिक मॉडल के अंदर कोर आई फाइव टेन भी आपको देखने को मिलता है यानी आप परेशान हो जाएगा ही मिलता तो टेन भी देखने को मिलेगा लेकिन इस टाइम जो मेरे पास है वो आई फाइव इलेवन जनरेशन के अंदर है 2.40 पॉइंट प्रोसेसर के साथ आता है फाइव इलेवन जनरेशन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कोर्स की बात करें तो ये फोर कोर्स के अंदर आता है एट इसके अपना थ्रेड्स हैं इसके भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहे होंगे आपको यहाँ पे लॉजिकल प्रोसेसर एट शो कर रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे जो एल थ्री कैसे शो कर रहा है वो एट एम बी आपको कैसे शो कर रहा है करंटली तौर पर आपको लेकिन इसकी टर्बो स्पीड की बात करें तो बहुत ही अच्छी है 4.40 तक तो इसकी टर्बो स्पीड जाती है आपको जैसे आपको जैसे कि पे जो, जो कोर्स ही तो उसकी वजह से इसकी जो टर्बो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी 4.40 तक तो आपको देखने को मिलेगी अब हम बात करेंगे इसकी मेमोरी की कि इसमें क्या क्या आ, कितनी रैम सपोर्ट कर सकता है और कौन सी रैम सपोर्ट कर रहा है डी डी रैम को ये सपोर्ट कर रहा है और इस टाइम जो इसके अंदर करंटली लगी हुई है वो सोलह लगी हुई है सिक्सटीन इस टाइम इंस्टॉल है दो इसके अंदर इसके अंदर स्लॉट्स आती हैं और आप इसको सिक्सटी फोर जीबी तक इजिली लेके जा सकते हैं सोलह सोलह वाली दो लगाना चाहें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आठ आठ वाली लगाना चाहे आप लोगों पर डिपेंड करता है उसी तरह इसके लैपटॉप की प्राइजेस इंक्रीज होती जाएंगी जैसे जैसे आप इसके स्पेक्स बढ़ाते जाएंगे अब हम देखते हैं इसकी हार्ड डिस्क की भी इसके अंदर डिस्क कौन सी लगी हुई है और इस टाइम करंटली क्या इंस्टॉल हुआ तो इसके अंदर इस टाइम एनवीएम की हार्ड इंस्टॉल हुई हुई है और टू फिफ्टी सिक्स हार्ड इंस्टॉल है आप पांच सौ बारह लगाए वन टीबी लगाए ये इजिली सपोर्ट करेगा ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है वो अगेन की आपकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी अब हम बात करेंगे सबसे मेन क्वेश्चन के यार इतनी बड़ी मशीन इतनी महंगी मशीन होने वाली है तो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड होना तो जरूरी जुर। है तो जनाब इसके अंदर बिल्कुल ग्राफिक कार्ड आ रहा है जो कि इंटेल का आ रहा है आपके सामने आपको ग्राफिक कार्ड नजर आ रहा है इंटेल आयरस का ग्राफिक कार्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है और जो आपके सामने यहाँ पे शेयर मेमरी जो जीपीओ की दिखा रहा है वो सेवन पॉइंट सेवन जीपी आपको दिखा रहा है मीन के एट जीपी का आपको यहाँ पे इंटेल आयरस का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है तो इसका मीन रेजोल्यूशन भी अच्छा होने वाला है इस पर आप अपने ग्राफिक काम भी कर सकते हैं और इसमें आप अपनी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं अब हम देखेंगे इसकी बैटरी कि बैटरी कौन सी हमें देखने को मिल रही है तो इसके अंदर लगी हुई है लिथियम बैटरी जो कि आपको नजर नहीं आ रही वो अंदर ही है बैक कवर के नीचे है और जो कि सिक्स सेल्स के अंदर आती है और इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें तो लोगों को तो पता ही होगा लिथियम बैटरी की जो बैटरी टाइमिंग है वो राउंड अबाउट फोर टू फाइव आवर ईजिल होती है तो ये न्यू मशीन है तो फोर टू फाइव आवर इजिली चलेगी और आपके डिपेंड करता है बैटरी की हेल्थ पे आप लोगों को पता है हम तो रिव्यू देते हैं जो इंपोर्टेड होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके होते हैं तो हम उनको आफ्टर वन ईयर्स बाद हम रिव्यू दे रहे हैं ताकि आप लोगों को उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके तो ये जो इस टाइम करंटली इसका अगर हम यूज बताएं तो अगर इसकी बैटरी की हेल्थ एक्सीलेंट हुई तो ये फोर टू फाइव आवर्स इजली आपको आपको परफॉर्मेंस दे रही होगी विद इंटरनेट के ऊपर आपको परफॉर्मेंस की इजिली मिलेगी अब बात करेंगे हम इसकी प्राइस की कि आपको ये कितनी प्राइस के अंदर मिलने वाला है और मार्केट में कहां से कहां पे आपको ये मिल सकता है तो जनाब इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट के अंदर राउंड अबाउट लोगों की आस्किंग जो होगी वो वन लाख फाइव हंड्रेड भी हो सकती है वन लाख फाइव थाउजेंड भी हो सकती है वन लाख टेन थाउजेंड भी हो सकती है लेकिन ये आपको फॉरेस्ट द्वार के प्लेटफॉर्म से जो मिलेगा वो मिलेगा पूरे वन लाख के अंदर जिन्होंने कहने अपनी जबान से एक कापी, अंदर। कापी के अंदर एक कापी लेके आओ सी केबल ओरिजिनल चार्जर के साथ डेल के लैपटॉप और फॉरेस्ट दर की प्रीमियम पैकिंग के साथ आप लोगों को ये वन लाख के अंदर देखने को मिलेगा अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो हमारी कस्टमर स्पोर्ट से रबाता करें हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप लोग हमसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स करें आपको वहाँ पे उसके जवाब जरूर मिलेंगे अदरवाइज हमारी कस्टमर स्पोर्ट से रबा करके भी अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज